क्यों रॉकी एक जगह इकट्ठा कर रहा था केजीएफ का गोल्ड, क्या हमें केजीएफ 4 देखने को मिलेगी। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सूर्यवर्धन इंडोनेशिया कॉल में केजीएफ के गोल्ड को छुपा कर रखता था और उसने इंडोनेशियन गवर्नमेंट को भी खरीद लिया था, लेकिन साल 1978 में रॉकी इस राज को जान लेता है और वो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट से डील करता है और उनकी कोला माइन लीज पर मांगता है। पर बाद में इनायत खलील को भी इंडोनेशिया की माइन के बारे में पता चल जाता है और वो इंडोनेशिया की उस माइन पर कब्जा करना चाहता है। अब इसके आगे की स्टोरी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। इनायत खलील भी इंडोनेशियन कोल माइन के बारे में जान चुका था, इसीलिए वो भी 800 मैट्रिक टन केजीएफ गोल्ड जो इंडोनेशिया में के माइन के अंदर रखा हुआ था उसे पाना चाहता था। लेकिन रॉकी पहले से ही सारी प्लानिंग कर चुका था। रॉकी पूरे वर्ल्ड का गोल्ड एक जगह इकट्ठा कर रहा था और रॉकी ऐसा क्यों कर रहा था ये कोई नहीं जानता। अब रॉकी ने पहले केजीएफ के पूरे गोल्ड को शिप में लोड करके समंदर में आ गया और फिर इंडोनेशियन नेवी को इसीलिए फैक्स किया क्योंकि रॉकी की इंडोनेशियन गवर्नमेंट के साथ डील हो चुकी थी कि वो रॉकी की मदद केजीएफ के गोल्ड को इंडिया से बाहर लाने में मदद करेगी। और यूएस नेवी को रॉकी ने इसीलिए इंडियन ओशन में बुलाया था क्योंकि यूएस गवर्नमेंट रॉकी को पकड़ना चाहती थी। अब रॉकी इंडियन नेवी के उस हमले में मर गया या बच गया इसके बारे में खुद रॉकी ही जानता था या फिर रमिका सेन, लेकिन इस बार रमिका सेन को CIA की रिपोर्ट पढ़कर रॉकी के प्लान्स के बारे में सब कुछ पता चल गया था। लेकिन अब रमिका सेन रॉकी के प्लान्स में शामिल होकर रॉकी के प्लान पूरा करेगी या नहीं, क्या इंडोनेशियन नेवी केजीएफ का गोल्ड 20,000 फीट की गहराई से निकाल पाएगी या नहीं, ये हमें केजीएफ 4 में पता चलेगा। इसका मतलब केजीएफ की स्टोरी इंडियन ओशन में खत्म हो जाएगी जहां 3 गवर्नमेंट्स के बीच एक अकेला रॉकी होगा और इसका मतलब केजीएफ के फैंस को केजीएफ 4 भी देखने को मिलेगी। तो ये थी केजीएफ 3 की फुल स्टोरी। आई होप आपको केजीएफ 3 की स्टोरी पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बॉलीग्रैड यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।